थानागढ़ रोडवेज पीतल नगरी डिपो से रोहित कुमार रोजाना की तरह दिनांक 13/6/2022 को अपने घर से एक लैपटॉप का बैग लेकर चंदोसी स्कूल में टीचिंग के लिए गए थे। जैसे ही रोडवेज में बैठने के बाद उन्होंने देखा कि मेरा बैग नहीं दिखाई दे रहा, तो उन्होंने रोडवेज के कंडक्टर से पूछा तो उसने बस को रुकवाकर सवारियों से पूछताछ की, तो सवारियों ने भी साफ इनकार कर दिया। रोहित कुमार ने इसकी शिकायत थानागढ़ पर बैठे चौकी इंचार्ज लाजपत नगर यशवीर सिंह को की, तो उन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए चोर की तलाश शुरू कर दी। पूरे दिन तलाश करने पर बैग का कोई पता नहीं चला, तो उन्होंने रोडवेज और अन्य जगह तलाश किया। उसके बाद मुखबिर ने बताया कि एक आदमी डिप्टी साहब के अस्पताल पर लैपटॉप के साथ बैठा हुआ है। तुरंत ही जाकर चौकी इंचार्ज यशवीर सिंह ने अपनी चौकी की टीम के साथ उसे धर दबोचा। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम नरेंद्र शर्मा और पिता का नाम आनंद शर्मा बताया। पता पूछने पर उसने अपना पता पीतल नगरी सूरजनगर थाना कटघर बताया। उसने बताया कि हम इसी तरीके से सवारियों के बैग चुराते हैं। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से लैपटॉप, लैपटॉप का चार्जर और पेन ड्राइव बरामद हुए। जब लाजपत नगर चौकी इंचार्ज यशवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया रोहित नामक व्यक्ति ने एक लैपटॉप का बैग चोरी होने की सूचना दी थी, जिसका तुरंत ही मुकदमा लिखवा दिया गया था। उसके बाद थाना कटघर इंस्पेक्टर रामप्रसाद शर्मा के आदेश अनुसार तुरंत बैग की तलाश शुरू कर दी गई और पुलिस ने मात्र 48 घंटे में ही लैपटॉप बरामद कर लिया, जिस पर शिकायतकर्ता ने पुलिस की प्रशंसा करते हुए बताया कि पुलिस ने बड़ी तेजी के साथ चोर को पकड़कर मेरा लैपटॉप बरामद करा दिया, उसके लिए पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद भी कहा। नाम आपका? सर मेरा नाम रोहित कुमार है जी। क्या करते हैं? मैं सर एक कॉलेज में प्रवक्ता हूँ। कहाँ पर? चंदोसी। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? सर हुआ यह है कि परसों सुबह मैं रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी करने निकला था। जनरली मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस से सफ़र करता हूँ, तो ये समय 6:30 बजे का होगा। मेरे साथ में एक बैग था जिसके अंदर मेरा लैपटॉप और मेरे कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट थे। बस के चलने के कुछ समय बाद मैंने देखा कि जो मेरा बैग था वो मेरे पास नहीं था। इसका मतलब ये था कि उसको किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया है। इसकी तत्काल सूचना मैंने कंडक्टर साहब और ड्राइवर साहब को दी। उन्होंने आनंद फानंद में बस को रुकवाया और सारे यात्रियों से पूछताछ की, परंतु मेरा बैग किसी के पास भी नहीं मिल पाया। तुरंत मैं थाना कटघर आया और मैंने अपनी FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद सब इंस्पेक्टर महोदय ने एक लैपर्ड सिपाही को मेरे साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस स्टेशन पर भेजा। वहाँ जाकर पूछताछ की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। उस समय बाद हमने बस स्टेशन के CCTV फुटेज को खंगाला, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक हमारी मदद नहीं कर पाए। और जिस गेट पर उस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था, उस गेट पर एक भी CCTV कैमरा मौजूद नहीं है। उसके बाद मैं लाजपत नगर पुलिस चौकी आया, यहाँ भी इंक्वायरी होती रही, पूछताछ होती रही, उस संदिग्ध व्यक्ति का पता नहीं चल पाया। अब कल शाम में जैसे ही पुलिस से लौटता हूँ तो मेरे पास सिपाही महंत और पुलिस चौकी इंचार्ज का कॉल आता है कि बोले बोले कि व्यक्ति को हमने ऐसे फलाना जगह पर पकड़ा है, उसके हाथ में एक बैग है और लैपटॉप भी है, क्या आप उसके आकर शिनाख्त कीजिए, क्या ये आपका ही सामान है। मैं आया चौकी पर और मैंने देखा कि जो बैग चोरी हुआ था वो मेरा ही है, उसके अंदर जो लैपटॉप है वो मेरा ही है। तो लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस तो बरामद हो गई हैं, परंतु मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट और बैग बरामद नहीं हो पाया है। तो ना आरोपी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस जी? आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस की सहायता से भी और क्षेत्रीय लोगों की सहायता से भी उसको धर दबोचा है। उसके बाद सर उसे पुलिस चौकी लाए, चौकी लाने के बाद उसके साथ सख्ती से इंक्वायरी की, तो उसने एक्सेप्ट किया है कि वो चोरी उसी ने की है, इस पूरी घटना को उसी ने अंजाम दिया। अच्छा, कोई नाम वगैरह उनने बताया? नाम अभी उसने कुछ नहीं बताया है, काफ़ी नशे की हालत में था, तो शाम तक उसे काफ़ी ट्रीटमेंट भी दिया लेकिन वो नशे से बाहर नहीं आ चुका। कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं कटघर पुलिस की? कामयाबी तो सर 48 घंटे के अंदर सर ने उस मुलजिम तक उसको पकड़ के हमारा सामान हमें वापस कराया है, ये अपने आप में एक कामयाबी है, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर प्रशासन